हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम कंपटीशन में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का जो है कि आपको एप्लीकेशन स्टेटस करने का लिंक जो ओपन हो गया है, यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया है जो कि अब सी नंबर 01/2019 एनटीपीसी। तो दोस्तों, सेलेक्ट योर आरआरबी चेक एप्लीकेशन स्टेटस। तो ये जो आप जोन देख रहे हैं, अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, पटना, तिरुवनंतपुरम, अजमेर, भुवनेश्वर, ये सब जो लिंक है, ये सब लिंक ओपन हो गया है। आपको कैसे चेक करना है अपना एप्लीकेशन स्टेटस, आपको इस वीडियो में बताएंगे। और जो अभ्यर्थी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, वो भी कैसे प्राप्त करना है, वो भी बताएंगे। तो आप पूरे वीडियो पे बने रहना दोस्तों। तो दोस्तों, अभी 4 दिन पहले रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड से एक नोटिस आया था एप्लीकेशन स्टेटस के लिए। उन्होंने ये बोला था कि ये लिंक जो है 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ही ओपन रहेगी। अगर आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा तो सिर्फ आप 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में ही अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे, अन्यथा उसके बाद आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो आपको कैसे चेक करना है आरआरबी एनटीपीसी अपना एप्लीकेशन स्टेटस, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ये जिस जोन से हम फॉर्म भरे रहेंगे उस जोन पे हम जाएंगे। चलिए हम बेंगलोर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम बेंगलोर पे जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रिक्वायरमेंट फोर्स, आरआरबी बेंगलोर। तो दोस्तों, ये बेंगलोर का जिस जोन से मैं फॉर्म भरा हूँ वहाँ का ये आपका दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, जब फॉर्म भरे होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वह 10 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर इस बॉक्स में दर्ज करना है। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ को आप यहां पे दर्ज करेंगे सिक्योरिटी के लिए। आपको ये जो है कि यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप यहां से लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने वहां पे जो फॉर्म रहेगा एक्सेप्ट दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लॉगिन नहीं कर पाए, थोड़ा सा अभी सर्वर में प्रॉब्लम चल रही है, चलिए हम चेक करके बताते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, हम यहां पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप करते हैं। जी हो गया। ठीक दोस्तों, अब चलिए अपना डेट ऑफ बर्थ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, और जब हम नीचे आते हैं यहाँ पे अपना सिक्योरिटी के लिए एंटर कैप्स डाल दिया है, जो कि आप देख रहे हैं, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे दर्ज कर दिया है। तो हमें क्या करना है, अब लॉगिन करना है। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी थोड़ा सा सर्वर डाउन है, जिसको से चेक नहीं हो पा रहा है। आप इसी तरीके से आप करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके इस पेज पे आ जाएंगे, वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे कैप्स कोड डाल के अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर फिर कैप्स कोड दिया होगा, यहाँ पे दिया होगा फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या भूल गए हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सिंपल से क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, आप फॉर्म भरते समय जो भी आईडी दिए होंगे उस आईडी को यहाँ पे डालना है और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर को डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप डालेंगे। ठीक, अब इंटर कैप्स कोड, फिर आपको सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे कैप्स कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद गेट डिटेल्स, वितरण प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको एक ईमेल आएगा, आपको ईमेल आईडी, जो आप रजिस्ट्रेशन आपका ईमेल आईडी रहेगा, उसी ईमेल आईडी पे, उसी मोबाइल नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बताया जाएगा। आप वहाँ से ले जाकर सिंपल सा, जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाएगा तो आपको सिंपल से जब पता चल जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल देंगे, आप यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर फिर हम यहाँ पर आते हैं, फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, हम रजिस्ट्रेशन नंबर अपना यहाँ डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे और कैप्स कोड डालेंगे और यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे, हमारा जो एप्लीकेशन स्टेटस रहेगा हमारे सामने आएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो पे एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमें सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है।